कहाँ से आ रहे हैं? अकोला महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इससे पहले कब आए थे आप? इससे पहले कुछ दिन पहले आया था। तो उसमें चेक हुआ, क्या निकला उसमें? उसमें जब चेक करवाया था तो उसमें चार भूत पेट में था, गुटके के रूप में, और चार भूत ऊपर था। चार खुराक मिली थी मुझे, वैसे तो तीन खुराक के अंदर ही मुझे फर्क पड़ गया था, और तीसरी खुराक में भी उल्टी आना शुरू हुई थी। फिर भी मैंने चारों खुराक का सेवन किया। जितनी दवा लिखी रहती है उतनी ही खा के आना रहता है। बहुत लोग तीन खा के चले आते हैं, लिखी रहती है चार पाँच छः रहती है तो तीन में और रोटी होती है तो तीन खा के चले आते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब जितनी लिखी गई है पूरी खा के ही आना है जी। तो आप पूरी खा के आए हैं तो गुटखा निकला, आपने उसकी वीडियो बनाया, फोटो खींचा, फोटो खींचा, पुष्टि जब हुआ था उसमें टोकन में क्या लिखा था दिखा दीजिए। जब चेक किया था पंडित तो उसमें बताया था गुटखा निकलेगा। जब बताया गुटखा निकलेगा तो आपको यकीन था कि निकलेगा गुटखा? जी जी यकीन था मुझे। ये उल्टी के थ्रू निकला है तो ये फोटो खींच कर लाए हैं गुटखे की। तो गुटखा निकलने से आपको कितना फायदा हुआ फिर? 80% फायदा हुआ है। 80% फायदा हुआ। अभी अंदर का बचे हुए थे जी। चार जो की अभी हो गए हैं जी। इंशाल्लाह बाकी जो बचे हैं 20% वो भी पूरे हो जाएंगे। क्या दिक्कत होती थी? क्या दिक्कत होती थी आपको? मुझे जैसे कि गुटखा खाने की नशे की आदत हो गई थी, गुटखा खाए बिना मुझे ऐसे रहा नहीं जाता था। अच्छा। तो उससे मेरा मुंह का जो आकार है हाँ। वो भी छोटा होते आ रहा था, और जैसे कि थोड़ा भी मैं तेज खाता था तो समझ लो हाँ मसालेदार चीज जो भी खाता था उसमें, मतलब कितना भी मैं पानी पी लूँ या कितनी भी स्वीट चीज खा लूँ वो आग बुझती नहीं थी, जब उठती थी और उसकी इच्छा से यानी कि वो बुझती थी। तो उससे मैं बहुत तंग आ गया था। अभी गुटखा यानी एकदम से छूट भी गया है। छूट गया जी, अभी तक का खाया नहीं। बहुत बढ़िया बात है, छूट जाए तो सही रहेगा। छूट गया है अभी तक नहीं खाया, यानी याद ही नहीं आती, तलब आती थी ना वो तलब भी आना बंद हो गया, यानी एक तरीके से अंजन जैसा हो गया गुटखा मेरे। ये कौन है आपके? ये मेरे साले जी है, इनसे मैं उम्र में छोटा हूँ, जैसे उनको जवाई लगता हूँ। तो आपको यहाँ का पता कैसे मिला था? YouTube से देखा था। YouTube से देखा था। तो देखे आपको क्या यकीन हो गया कि क्या फेक है, क्या कुछ ऐसा लगा? नहीं 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 सर, बिल्कुल बहुत सही लगा है हमें। कब से वीडियो देख रहे थे आप? ये तो समझ लो 2 या 3 ही महीने हुए होंगे जब से वीडियो देख रहा था। तो मैंने एक मेरे दिल ने कहा कि बाबा जी से मिलकर आओ, क्योंकि वीडियो में इतनी सच्चाई बताई जाती है ना, तो सच्चाई को झुठलाया नहीं जाता। बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि ये बाबा जी के किराए के आदमी है, फेक है, नहीं, पैसा देके बताते हैं। कोई फेक नहीं, कोई फेक नहीं, एक रुपए भी फेक नहीं, बिल्कुल सच है, हकीकत है, शत प्रतिशत सत्य है। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है, ईद है, ईद है ना, कोई आए चाहे ना आए हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद बकरीद मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ, कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलेक्ट कर देता हूँ, जा भाई और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ, मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास 2 ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे, मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते, तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे, शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो, मालिक पे, हो जाता है हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है, बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो, कि हमें बोलना है।
हाँ तो यही गलत है ना। हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। हमें कहाँ से आया था? सूरजपुर। सूरजपुर भटगांव। सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूँ या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दो। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देखते यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को वहाँ आप लोग भूखते हो, अगर मौत हो जाए छीनना झपटी हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार, रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज, जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार, टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से
भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्तियों को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।